तो मशीन में आप लोग का इंडक्शन चल रहा था, कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चल रहा था, उसमें कल हम लोगों ने सेपरेट पोल मोटर पढ़ लिया था। आज जो हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं, उस मोटर का नाम है यूनिवर्सल मोटर। क्या नाम है इसका? यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। यहां पे या फिर जो यूनिवर्सल मोटर है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? डी है, सिंगल पेज सीरीज मोटर। इसका दूसरा नाम है सिंगल फेज सीरीज मोटर। सीरीज मोटर, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है, इसका दूसरा नाम क्या है आपके पास में? सिंगल फेज सीरीज मोटर। ये बिल्कुल आप लोगों ने जो थर्ड फिफ्थ फोर्थ में पढ़ा था डीसी सीरीज मोटर, उसी की तरह बिल्कुल ये मोटर होता है। कौन सा? यूनिवर्सल मोटर या फिर सिंगल फेज सीरीज मोटर। इसमें भी क्या होता है, जो आपके पास फील्ड वाइंडिंग होता है, इसमें मैंने क्या बताया था सीरीज मोटर में, डीसी का जो सीरीज मोटर था उसमें क्या था कि आपके पास दो वाइंडिंग था डीसी वाले मोटर में, एक फील्ड वाइंडिंग था, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग था। तो यहाँ भी ऐसे होता है कि एक फील्ड वाइंडिंग हो गया और दूसरा क्या है इसका? आर्मेचर वाइंडिंग है। ये दोनों वाइंडिंग क्या होता है? आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो वाइंडिंग होता है दोनों आपस में क्या होता है? सीरीज में लगा हुआ होता है। ये इसका कौन सा है? फील्ड वाइंडिंग है। और ये इसका कौन सा? आर्मेचर वाइंडिंग है। ये दोनों वाइंडिंग आपस में क्या होते हैं? सीरीज में लगे होते हैं, तो इसलिए इसको हम डीसी सीरीज मोटर बोल देते हैं। तो यहाँ जो सिंगल फेज सीरीज मोटर है, बिल्कुल सेम है। किसके तरीके का? बिल्कुल सेम है आपके पास में डीसी सीरीज मोटर की तरह, दोनों सेम होता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह में नहीं है। अब यूनिवर्सल मोटर इसको कहते क्यों है? क्योंकि ये जो मोटर है ना, बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई, एसी और डीसी सप्लाई से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम चला सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं। मतलब कभी भी हमें क्या चाहिए? एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई से सेम मोटर को चलाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजमेंट है नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो वाइंडिंग है वो आपके पास में क्या लगा रखा है? सीरीज में वाइंडिंग लगा होता है, और इस कारण से ऐसा आपके पास में क्या होता है? ये पॉसिबिलिटी बन जाता है। अब अगर बात करें कि अगर इसको हम बताएं बनाएं कैसा बना होता है, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसका डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से बना के रखते हैं। ये इस प्रकार से इसका मैग्नेट बना होता है, और बीच में क्या होता है इसका? रोटर लगा होता है। ये इसकी वाइंडिंग्स हैं, सॉरी वाइंडिंग यहाँ पे नहीं होता, ये सारे सारे क्या है इसके कम्यूटेटर सेगमेंट बोलते हैं, इसे कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं, जो क्या करता है इसको सिल्वर स्टार्टिंग बनाने का काम करता है। ये क्या है आपके कंपनसेटिंग वाइंडिंग, अब यहाँ पे क्या होता है इसमें यहाँ बाइंडिंग क्या होता है, और ये स्टूडियो धन में होता है बाइंडिंग, और ये दोनों आपस में लिंक होता है, एक टर्नल यहाँ से निकल जाता है बाहर, इसका एक टर्नल आपके पास में यहाँ से निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है इसका पूरा कंस्ट्रक्शन बना होता है। अब ये क्या होता है कि बहुत ही सिंपल मोटर है और ये सस्ता भी मिलता है, ठीक है ना। ये क्या है कि आपको सस्ता है, सिंपल है, चीप, इसका कंस्ट्रक्शन भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आपके पास में नहीं है, लेकिन जो इसके पास में क्या है कि और ये ना बहुत ही कम पावर रेटिंग, मतलब बहुत ही कम 750 वाट के नीचे, मतलब ये टिप्पी से नीचे के मोस्टली से क्या होते हैं सारे के सारे मोटर आपके पास में, यूनिवर्सल मोटर जो है वो आता है। और इसके लिए क्या है कि इसका एक जो फायदा है वो क्या है कि ये बहुत ही आसानी से अपने डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, ये
चेंज कर सकता है कि जैसे इसके में डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे हम इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि इसमें देखो मैंने क्या बताया था, दो वाइंडिंग होता है, कौन कौन सा, फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। तो जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो ये जो मोटर है इसका रोटेशन और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी क्या करें कि बात करें कि और ये ना बहुत ही हाई स्पीड मोटर होता है, हमारे पास क्या जानते हैं जो सिंक्रोनस स्पीड का मोटर होता है कितना होता है, 120 अपॉन में पी बोलते थे ना, मतलब 120 गुणा में 50 अपॉन में कितना लेके चलते, दो कम से कम लेके चलते थे, नंबर ऑफ पोल वगैरह तो कितना था 3000 आरपीएम था ना, इसकी जो स्पीड होती है 20000 आरपीएम तक होती है, तो बहुत ही ज्यादा आरपीएम का मोटर है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपके पास में जो डीसी वाला कनेक्शन हो जाता है ना, तो इस कारण से पॉसिबिलिटी हो जाता है इस मोटर के लिए, क्योंकि डीसी मोटर भी क्या होती है आपकी बहुत ही हाई स्पीड मोटर होती है। तो ये सब चीजें हैं इसके लिए यूनिवर्सल मोटर के लिए। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो यूनिवर्सल मोटर का यूज कहाँ पर करते हैं, जो ड्रिल मशीन होता है, जिसमें भी आपके पास ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हम इसका यूज करते हैं, और कहाँ पर यूज करते हैं, और इसका हम हेयर ड्रायर भी यूज करते हैं, जो हेयर ड्रायर बनाते हैं, हेयर ड्रायर का जो मोटर होता है उसमें भी लगा होता है आपके पास में, उसका ग्राइंडर, ग्राइंडर आप देखा बहुत ही तेज चलता है, ग्राइंडर में लगाते हैं, मिक्सर वगैरह होता है उसमें लगाते हैं, जहां पर आपको क्या चाहिए हाई स्पीड चाहिए वहां पर हम क्या करते हैं ये मोटर का यूज कर लेते हैं, टेबल फैन भी इसमें बना सकते हैं, टेबल फैन है। और आपके पास में क्या है, किचन अप्लायंसेस जो भी होता है अपने मक्खन वगैरह बनाने के, बटर निकालने के लिए हम इसका क्या करते हैं, इस मोटर का भी यूज करते हैं। तो मतलब मोस्टली ये है कि जो भी आपके पास में यूनिवर्सल मोटर होगा उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमें क्या करना है कि बहुत ही हाई स्पीड हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आपके पास में क्या है, हाई स्पीड मोटर है जिसकी जो आरपीएम है वो 2000 आरपीएम तक चल सकता है, और ये आपके पास में एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलने के लिए ये हमेशा के लिए तैयार है, मतलब एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये है आपके लिए कौन सा, यूनिवर्सल मोटर।